सो हाय गाइस, मेरा नाम है एहसान अली और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल टेक्निकल ब्रो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टाग्राम, ये एक अकाउंट है मेरा, और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे सी ट्रांसलेशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन पेज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो जो मेरी यहाँ पर शायरी थी वो यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी है। तो आप ये जो ट्रांसलेशन का ऑप्शन है वो आप अपने जो फोटो में है वो आप कैसे ला सकते हो, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। तो आपको क्या है, यहाँ पर सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको सिंपली अकाउंट को ओपन कर लेना है। आप जिस अकाउंट में फ़ोटो अपलोड करना चाहते हो उस अकाउंट को यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इस अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर अपलोड फोटो का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो फीड फोटो, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी जो फोटो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो राइट एक कैप्शन, यहाँ पर आपको क्या है आपको 100 से या 50 से ज़्यादा कुछ शब्द टाइप करने हैं। तो मैं यहाँ पर शायरी लिखता हूँ तो शायरी में आप कॉपी करता हूँ। आप क्रोम ब्राउज़र में जाके शायरी कॉपी कर सकते हो। तो मैं ये जो शायरी है वो यहाँ कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली इंस्टाग्राम में जाना है। इंस्टाग्राम में जाने के बाद यहाँ पर आपको राइट एक कैप्शन में यहाँ पर उस शायरी को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लोकेशन ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पर लोकेशन ऐड करता हूँ। लोकेशन ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको जो सही का निशान आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो वो यहाँ पर अपलोड होके तैयार हो जाएगी। फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फ़ोटो वह यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, और अपलोड होने के बाद नीचे आप देख सकते हो सी ट्रांसलेशन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह। तो इस तरह से आप अपने जो सी ट्रांसलेशन का ऑप्शन वो यहाँ पर ला सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर प्रोफाइल में भी एक ट्रांसलेशन का ऑप्शन आता था जिसका वीडियो मैंने बना रखा है। लिंक आपको अंदर वीडियो के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो कि आप अपने अकाउंट में सी ट्रांसलेशन का ऑप्शन कैसे ला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।